रिज्यूमे हमारे क्वालिफिकेशन की शो करने का सबसे सिंपल और आसान तरीका होता है। जब भी किसी हम जॉब या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे रिज्यूमे डिमांड कर दी जाती है और हमें वहाँ पे रिज्यूमे देना पड़ता है। आमतौर पे हम वर्डपैड का इस्तेमाल करते हैं रिज्यूम बनाने के लिए, जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, या किसी शॉप या साइबर कैफे में जाते हैं तो वहाँ पे हमसे 50 रुपीज़ या 150 रुपीज़ का चार्ज कर दिया जाता है। सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीक़ा से 5 मिनट के अंदर अंदर में अपने मोबाइल फ़ोन लैपटॉप से एक शानदार रिज्यूमे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे तो खून में है टाइटेनियम है, आप ऐसा करने की कोशिश कीजिएगा और आप चाहें तो कर भी सकते हैं। एक रिज्यूमे बनाने के लिए आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पे एक ब्राउज़र ओपन करेंगे और उस ब्राउज़र में आप एक वेबसाइट टाइपिंग कर देंगे resumemaker.online, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस नज़र आएगा। अब यहाँ पे डिजाइन माय रिज्यूमे पर ओके करेंगे। ओके करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से फिर इसका आपका यूजर इंटरफेस नज़र आएगा। तो देखिए, ये टेम्पलेट ओपन हो गया है। यहाँ पे आप अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। तो फोटो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके फ़ोटो ऐड कर लेंगे। जहाँ भी फ़ोटो है फ़ोटो को सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे और देखिए यहाँ पे आपका फ़ोटो आ गया है। और इसके बाद यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे। नीचे यहाँ पे हम अपना प्रोफेशन टाइप कर देंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। यहाँ पे नेशनलिटी चूज कर लेंगे। अब जो भी नेशनलिटी है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे आप अपना पूरा एड्रेस डाल देंगे, जो भी आपका एड्रेस है, जो भी आप रिज्यूमे में रखना चाहते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, कॉन्टैक्ट्स में यहाँ अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पे आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस डालना है, तो यहाँ पे अपना पोजीशन चूज कर लेना है और यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस टाइप कर देंगे। अगर आपका जो एक्सपीरियंस एक से ज़्यादा है तो प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके इसमें और ऐड कर लेंगे। अगर और भी ज़्यादा है तो इसी तरीके से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ अपना एक्सपीरियंस टाइप कर देंगे। नीचे यहाँ पर अपना एजुकेशन देंगे, यहाँ पर अपना डिग्री टाइप कर देंगे। नीचे यहाँ अपना यूनिवर्सिटी का नेम दे देंगे। यहाँ पे अगर अपना एजुकेशन एक से ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ प्लस वाले पे आइकन पे क्लिक करेंगे और जितना भी आप एजुकेशन इसमें देना चाहते हैं यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं इस तरफ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके। इसके बाद आपके पास जितनी डिग्री है वो यहाँ पर आप टाइपिंग करते जाएँगे। इस तरीके से यहाँ पर अपना डिग्री डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी डालेंगे। इस तरीके से जितना होगा वहाँ इस तरीके से यहाँ पर आपको टाइपिंग करते जाना है। यहाँ पर आपका रिज्यूमे काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप और ऑप्शन ऐड करना चाहते हो, यहाँ सेक्शन पर क्लिक करके और ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पिक्चर लगा सकते हो, यहाँ पे प्रोफाइल ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे इनेबल करके इसमें जोड़ सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे यह प्रोफाइल वगैरह आ चुका है। यहाँ पे आप टाइपिंग प्रोफाइल में कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर सेक्शन में जाके जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर वेबसाइट ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं, ट्विटर, इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, इंस्टाग्राम का। जो भी इसमें ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि मेन स्किल का ऑप्शन है यहाँ पर, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोफेशनल वगैरह, यहाँ पर एजुकेशन वगैरह, यहाँ जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कस्टम फील्ड का ऑप्शन है, तो इसमें भी आप जो भी ऐड करना चाहते हैं इसको इस तरीके से आप इनेबल कर देंगे और इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो और सारा कुछ नया ऑप्शन आ चुका है, जैसे देखिए प्रोफाइल आ चुका है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे वेबसाइट फॉर योर प्रोफाइल, योर नेम, इस तरीके से आपका जो है ट्विटर का ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, वेबसाइट आ गया। तो इस तरीके से आप इसमें जो भी लिखना चाहते हैं, टाइपिंग करना चाहते हैं, इसमें आप अपना वेबसाइट वगैरह का लिंक वगैरह डाल दीजिए, या आपका वेबसाइट वगैरह याद है तो इसमें आप टाइपिंग कर दीजिए। इसके लिए प्रोफाइल में आप जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, हम देखिए स्किल है, स्किल में आप जो भी टाइपिंग करना चाहते हैं इस तरीके से यहाँ प्लस वाला आइकन पर करते जाइएगा और जो भी स्किल में आप टाइपिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ लिंक 1 है, लिंक 2 है, यहाँ पर दिया हुआ था, इस तरीके से यहाँ पर आप टाइपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से अपना स्किल को ऐड कर सकते हैं और दूसरा जो लिंक 2 का स्किल है इस तरीके से आप इस ऐड कर सकते हैं अपना स्किल में। तो यहाँ पे आप और भी स्किल ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले बताया हूँ, जितना भी स्किल आप इसमें ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कि लगे कि यहाँ पे आपका रिज्यूमे बहुत परफेक्शनी तरीके से प्रॉपर ढंग से यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो यहाँ आप अपना पेज सेलेक्ट करके यहाँ पे A4 साइज रिलेटेड और लीगल, तो अब ज़्यादातर देखिएगा कि जो ही रिज्यूमे बनाया जाता है वो A4 साइज में बनाया जाता है। ज़्यादातर लोग A4 साइज यूज करते हैं, तो आप इसी को यूज करिए। इसके बाद यहाँ पर आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका रिज्यूमे कैसा बना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा रिज्यूमे कुछ इस तरीके का बन चुका है।
ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अगर यही रिज्यूमे आप किसी बाहर शॉप पे जाकर के बनवाओगे तो आपसे 50 रुपीज़ से 150 रुपीज़ तक आपसे लेगा, जिसको आप फ्री में 5 मिनट के अंदर अंदर में आप यहां से बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए यहां डाउनलोड वाले पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहां पे कुछ ऐड है, इसको हम रिमूव कर देंगे। डाउनलोड करते ही आपका ये रिज्यूमे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका रिज्यूमे डाउनलोड हो गया है। इसको आप ओपन करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो रिज्यूमे है वो कैसा बना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये बहुत ही प्रोफेशनल रिज्यूमे आपका बन चुका है। ये PDF फॉर्म है, इसको आप जाके किसी शॉप वाले के पास से इसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या आप इसको मोबाइल में ले आके कहीं भी शॉप है उसके पास जाके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर प्रिंट आउट साइबर कैफ़े में है तो वहीं पे आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये PDF फॉर्म है जो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे ये रिज्यूमे देखने में लग रहा है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो इसको प्रिंट करके निकाल लीजिए, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो इसको मोबाइल फोन में ले आके कोई भी शॉप वाले के पास जाइए और इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। रिज्यूमे बनाने का ये तरीका काफ़ी सिंपल और आसान है। आपके पास अगर शॉप है तो आप भी इससे फ़ायदे उठा सकते हैं और इससे आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।